तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मसा में कुन नो रिवेंज आर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के शेयर भी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सिनोमिया होती है वो यहाँ पर रूम के अंदर होती है। वो जो है अपने मेड वाले ड्रेस में होती है और यहाँ पर जो लड़की बैठी होती है वो उसकी बहन होती है। वो कहती है कि इस बार जो है तुमने बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि उस लड़के ने उसकी कंप्लेंट की होती है जिसका नाम कनाटे सुगी होता है। अगर अपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो पता होगा आपको। फिर यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि फादर जो है इस बार तुम्हें माफ कर देते हैं बट अगली बार तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिनोमय माफी मांगती है। फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे जो है अपना खाना ले रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारा खाना मिल रहा होता है और वहाँ पे ही एक लड़की होती है जिसका नाम सिनोमय होता है। वो खाना लेने के लिए यहाँ पर आई है। सिनोमय का नाम इतनी बार क्यों ले रहा हूँ आपको पता चल जाएगा एंड में, तब तक के लिए बने रहें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फोन आ जाता है अकी का। अकी कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे ऑर्डर के अंदर थोड़ा बहुत और ऐड करना है, मुझे 5 राइस बॉल चाहिए और एक ब्रेड भी। फिर यहाँ पे जो सिनोमय होती है वो कहती है कि ठीक है मैं आपके लिए लेके आ जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है एक अलग क्लासरूम में बैठ के खा रही होती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मकाबे होता है वो पुशअप लगा रहा होता है। मकाबे जो होता है उसके लिए जो है बॉडी सबसे पहले आती है और कोई चीज उससे पहले नहीं आती है। वो जो है यहाँ पर पुशअप लगाना स्टार्ट रखता है और वो बहुत सारी काउंटिंग करता है पुशअप लगाते वक्त। तभी जो है यहाँ पर आ जाती है सिनोमय जो उसके ऊपर स्प्रे मार देती है। यहाँ जो सिनोमय होती है उसे जो है मकाबे के साथ रहना बहुत पसंद होता है। वो जो है इसके लिए यहाँ पर खाना लेके आई होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ अभी नीचे ही थी स्टोर में तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। फिर यहाँ जो मकाबे है वो कहता है कि तुमने तो बहुत सारा खाना ले रखा है, ये तो बहुत अजीब नहीं है। तो वो कहती है सिनोमय कि अक्की ने मंगवाया है इसीलिए उसके लिए लेके जा रही हूँ। तो वो कहता है अक्की आज भी चेंज नहीं हुई, वो बहुत ज्यादा खाती है, पर पता नहीं वो मोटी क्यों नहीं होती है। यहाँ जो सिनोमय है वो कहती है कि हाँ उसने जो है दोबारा से बहुत सारा खाना मंगवाया था, जो पिछला ऑर्डर था उसने चेंज करके उसके अंदर और ज्यादा फूड मंगवा लिया है और धीरे धीरे वो जो है आलसी बनती जा रही है। यहाँ जो मकाबे होता है वो अपनी पुरानी बात को सोचता है, जब जो है वो चिल्लाया था अक्की के ऊपर उसके दिमाग में यही घंटी बजती रहती है। वो कहता है कि पता नहीं ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर। फिर यहाँ पे जो सिनोमय होती है वो कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं हो कि उस वक्त पे क्या हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि जो यहाँ अक्की हो वही कन्फ्यूज हो गई हो, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही हो, या फिर तुम भी कन्फ्यूज हो सकते हो अपने दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। यहाँ जो सिनोमय होती है वो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि अक्की जो है वो बहुत देर से मेरा वेट कर रही है। पिक फूट वो जो है यहाँ पर सिनोमय जो है वो उसको पिक फूट कहती है मकाबे को। मकाबे कहता है ठीक है मास्टर सिनोमय को। जो यहाँ सिनोमय होती है वो जाने लग जाती है और मकाबे जो होता है वो मन में सोचता है कि हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो जो उसे पसंद नहीं आया हो, इसलिए वो चुपचाप जा रही है यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो कनाटे सुगी होता है वो फोन पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पैसा जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी पेमेंट करो, इतना तुम्हें शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। पर वो जो है कहता है कि ठीक है तुम जो है जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देना। तभी जो है सिनोमय यहाँ से गुजरती है, उसे देखकर कनाटे सुगी जो होता है बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम्हें घर पे बढ़िया से सेवा पानी मिली होगी, सेवा पानी यानी कि इसकी जो है बहुत अच्छे से कुटाई हुई होगी सिनोमय की, यानी डांट पड़ी होगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं ये सच बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जो हो अपना कैरी ऑन कर सकते हो, और वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मकाबे होता है वो सो रहा होता है और सोते हुए सपना देख रहा होता है। सपने के अंदर वो माफी मांग रहा होता है अक्की से। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गलत किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो जो है अपना सर ऊपर उठा के उसकी आंखों में देखकर कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तो वो जो कहती है अक्की कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट क्या तुम मुझसे प्यार करोगे जब मैं जो हूँ तुम्हें धोखा दूंगी। यहाँ जो मकाबे होता है वो कहता है कि तुम जो हो कुछ भी कर लेना, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता
रहूँगा। और वो दोनों जो है यहाँ पर हग कर लेते हैं। वो कहती है थैंक यू मकाबे। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर उसको देख कर क्लैपिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मकाबे जो होता है नींद में नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम हमेशा बेंच से नीचे गिर जाते हो, क्या बात है। वो जो लड़की है वो कोई और नहीं होती है, वो फूजी नोमिया होती है जो उसे पसंद करती है। पर फूजो मिनिया ने आज तक कभी बोला नहीं है अपने दिल से कि मैं उसे प्यार करती हूँ, मतलब वो अंदर अंदर ही करती है। वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा, मेरे साथ चलोगे तुम बाहर। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उसके साथ बाहर आ जाता है। यहाँ जो फूजो नुमिया होती है वो कहती है कि ठीक है तो तुम अब जो हो मेरे साथ मुझे फॉलो कर सकते हो, यानी मेरे पीछे पीछे आ सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है बट हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहती है कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरे साथ चलो। फिर भी यहाँ मकाबे को जानने की इच्छा होती है। तो वो कहता है कि मुझे बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहती है कि कभी कभी जो है हमें थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारा शरीर भी फिट रहता है और हमें मजा भी आता है। वो दोनों फिर यहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। फुजिमिनो जो होती है वो कहती है क्या तुम सच में अक्की से प्यार करते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे दिमाग में तो हमेशा रिवेंज लेने का प्लान चलता रहता है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम जो हो रिवेंज लिए बगैर मानोगे नहीं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा से उसके साथ रिवेंज लेना चाहता हूँ और रिवेंज लेकर ही रहूंगा। फिर यहाँ पे वो कहती है कि अगर तुम प्यार में पड़ गए तो। तो वो कहता है कि अगर जैसे भी मैं प्यार में पड़ गया या फिर वो मेरे प्यार में पड़ गई, वैसे ही मैं उसे डम कर दूंगा और फिर मेरा रिवेंज जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो कहती है कि अच्छा ये बात है, मतलब तुम जो हो कभी भी उसके साथ प्यार नहीं करने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं कभी उसके साथ प्यार नहीं करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिनो जो होती है वो उसके गले मिल जाती है। पीछे से उसने बहुत ज्यादा टाइट हग किया होता है। तो यहाँ मकाबे कहता है ये क्या है। तो वो कहती है इसे करने के लिए बहुत ज्यादा ही करेज चाहिए, यानी हिम्मत चाहिए। यहाँ पर हग करने के लिए वो कह रही है हिम्मत चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम जो हो उसे प्यार नहीं करते, यानी प्यार नहीं कर सकते, तो मेरा जो है चांस बढ़ जाता है। पर यहाँ पर मकाबे कुछ बोलता तभी वो कहता है कि चलो यहाँ से भागते हैं क्योंकि कोई लोग और आ जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिनोमय होती है वो आ जाती है अक्की के पास, पर उसके आने से पहले ही कनाटे सुगी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे जो है रास्ते में टीचर ने रोक लिया था, इसीलिए मुझे लेट हो गया, मुझे माफ कर देना। वो कहती है अक्की की कोई बात नहीं सब चलता है। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम लोग अपने फैमिली रेस्टोरेंट में जाएं, वहां पर हम बहुत सारा डेजर्ट खाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है चलो हम लोग चलते हैं वहां पर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर, यहां पर वो पूछते हैं कि योशिना से कि क्या तुम चलोगी। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूं कि महल में दोबारा चली जाऊं। फिर वो चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहां मकाबे और फूजी दोनों भाग रहे होते हैं, फिर वहां पे रुकते हैं। फिर फूजी कहती है कि पता नहीं यहां पर क्या चल रहा है और तुम इतना तेज भाग क्यों रहे हो, मुझे बताओ तो सही वो बंदे कौन है। यहाँ पर मकाबे कहता है कि जब हम पेरिस में गए थे तो वहाँ पर एक मुरी नाम की लड़की थी, उसका भाई जो है हमारा पीछा कर रहा है। अब वो मन में सोचता है कहीं उसका भाई ये तो कहने नहीं आया कि वो जो है रोम कॉम की जो मैगजीन बना रहा था उसमें उसकी हेल्प चाहिए उसकी बहन को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुरील का भाई होता है वो कहता है कि तुम लोग जो हो वहाँ पे इतनी जल्दी भाग नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड ने तुम लोगों को घेर लिया है और तुम मेरी बहन को छोड़कर आए थे, वहीं पेरिस के अंदर जापान में भाग कर आए थे, मैं तुम्हारे लिए ये कुछ देने आया हूँ। मकाबे को वो जो है मुरिल की नई ड्राइंग देने आया होता है। वो कहता है कि तुम इसे पढ़ के बताओ, क्योंकि मेरी बहन ने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया है बिना खाए और बिना सोए। वो कहता है कि तुम जो हो काफी अच्छे कपल हो, तुम लोगों की वजह से वो इंस्पायर हुई थी। अब यहाँ मकाबे जो होता है उसकी ड्राइंग को देखता है और कहता है कि काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है इसने। वो कहता है कि रियल लाइफ जो होता है वो उसमें अलग ही सीन होता है। ये जो होता है बात ये मुरिल का भाई कहता है, मुझे तो लगता है कि इसे भी किसी ने ठुकरा दिया है, यानी बिग ब्रेकअप हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो देखते हैं ड्राइंग को, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जब जो है मकाबे छोटा था यहाँ पर आया करता था तो उसे रुमाल दिया था अकी ने उसका मुंह साफ करने के लिए, और फिर उसने जो है उसे हग कर लिया था और उसे प्रॉमिस किया था कि वो जो है हमेशा उसके साथ रहेगा और हमेशा उसे चेयर अप करता रहेगा और उसे सपोर्ट करता रहेगा। अब वो बड़ा हो चुका है और वो भागते हुए
जा रहा होता है अकी से मिलने के लिए। वो जो है उसे बहुत पसीना आ रहा होता है, तो बड़े में भी यहाँ पर अकी आती है और उसे रुमाल देती है। वो कहती है कि तुम अपना फेस इसे साफ कर लो। इसके बाद ये दोनों आपस में प्रपोज करते हैं और जो मुरिल की बहन ने ये मैगजीन छापा होता है वो यहीं तक छापा होता है और यही उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। अब यहाँ पर मकाबे सोचता है ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। फूजी उसका नाम लेती है, कहती है मसामुने सामा क्या हुआ। तो वो जो है उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो बड़े ही ध्यान से उस ड्राइंग को देख रहा होता है। वो उस स्टोरी को समझ रहा होता है कि उसके रियल लाइफ में एक्चुअल में हुआ क्या है। कहता है कि मुझे जो है शुरू से दोबारा से सोचना पड़ेगा, एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा इस स्टोरी को, तब मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में समझ में आएगा। फिर वो जो है वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की है वो उसकी बहन होती है। वो जो है अपने रूम में कुछ देख कर अंदर आती है और यहाँ मकाबे जो होता है अभी भी उस मैगजीन को पढ़ रहा होता है। बट हम देखते हैं कि जो उसकी बहन है वो पीछे से आकर उसे लात मार देती है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, मैंने देखा था बाहर से कि तुम जो हो मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे थे बिना मेरे परमिशन के। तुम जो हो बहुत ही बेकार हो क्योंकि तुम जो हो मेरे कपड़ों के साथ खेल रहे थे, ये बहुत ही शर्मनाक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम सेकंड फ्लोर पे थे ना, बताओ मुझे। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो मॉम होती है यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग इतना लड़ क्यों रहे हो। तो वो यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है अच्छा मुझे लगा था कि तुम होगे, मुझे माफ़ कर देना। वो जो है अभी उदास होता है, वो कहता है कि ठीक है तुम ही जो है इसे ले लो, मैं जा रहा हूँ ऊपर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो है आकी आई होती है डिनर करने के लिए कनाटे सुगी के साथ, और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो फोटोज को देखती है जिसके अंदर कनाटे सुगी होता नहीं है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें कहाँ थे, उसके अंदर हो ही नहीं। बट यहाँ जो कनाटे सुगी होता है वो तो है यहाँ पर अकी को देख रहा होता है क्योंकि वो जो है कुछ और ही सोच रहा होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके पास फोन आया था हॉस्पिटल से। फिर वो फोन में बताते हैं कि तुम जो हो प्राइवेट हॉस्पिटल का फी अभी तक पे नहीं कर पा रहे हो और तुमने जो है एक अलग से रूम बुक कर रखा है इस लड़की के लिए, इसका क्या करना है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इसका पूरा पैसा दे दिया करो। फिर यहाँ कनाटे सुगी कहता है कि प्राइवेट मेडिकल में जाने की क्या जरूरत थी, तुम गवर्नमेंट मेडिकल में भी तो जा सकते थे और प्राइवेट रूम बुक करने की क्या जरूरत थी, तुम शेयर में भी तो कर सकते थे क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं होते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान ने बनाया था इंसानों को, पर इंसानों ने बनाया पैसा को और पैसे से ही ये दुनिया चलती है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ जो अकी की दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि ये कनाटी तुम हमें सुन नहीं रहे हो क्या। तो वो कहता है कि अच्छा अच्छा हम सुन रहा हूँ। वो कहता है कि वो जो है मकाबे के साथ थी। अब यहाँ पर जो हमारी अकी होती है गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो लोग बार बार मकाबे का नाम ले रहे होते हैं। कनाटे सुगी कहता है कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अकी कहती है ठीक है मैं अपना हाथ धोने जा रही हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो अकी की दोस्त होती है वो कहती है कनाटे तुम्हारा जो है प्रॉमिस टूट गया है क्योंकि उसने तुम्हारे से प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारे साथ रहेगी, बट वो तो रही नहीं, वो मकाबे के साथ रह गई। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, ये फोटो देखो तुम लोग। यहाँ जो कनाटे होता है वो बहुत सारा झूठ बोलता है। वो कहता है कि जो सिनोमोय है उसने धोखा दिया है, वो जो है मिली हुई है मकाबे के साथ। वो कहती है उसकी दोस्त कि ये तो बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी है। बट जो कनाटे होता है वो तो मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि वो लोग जो है उसके झूठ पे विश्वास करते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ आकी आती है, वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने जो है बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव किया है। तो यहाँ पर वो कहता है कनाटे कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर नहीं बताना चाहो तो मत बताओ, बट हमेशा याद रखना कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ की जो है इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिनोमोय जो होती है वो विंडो के ऊपर बैठी होती है। यहाँ जो नीचे होता है वो खड़ा होता है मकाबे, वो उसको हाथ देता है, फिर वो जो है नीचे आ जाती है। वो कहती है उसे पिगफूट, वो जो है इसे हमेशा पिगफूट कहती है क्योंकि वो उसका निकनेम है। यहाँ पे सिनोमोय नीचे आ जाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि अकी यहाँ पर है नहीं, वो डेट करने गई हुई है कनाटे सुगी के साथ। मकाबे कहता है कि उसके कोई मतलब नहीं है मुझे। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गया था बस ये देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बगीचे के अंदर मैं पहले आया था, पहले तो ये बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, अब तो
मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है पहले से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मकाबे होता है वो और बातें को कंटिन्यू रखता है। वो सोचता है कि मेरा एंड पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। यहाँ पर वो जो है अकी के बारे में बात करता है सिनोमोय से। वो कहता है कि जो हमारी अकी है उसको ये भी नहीं पता कि मेरा जो निकनेम है वो पिग फुट है। वो कह रही थी कि उसे तो याद ही नहीं है ऐसे किसी भी हादसे की जो मेरे साथ हुआ था, पर मुझे भी याद नहीं है कि जो वो पर्दे के पीछे था वो कौन था, वो एक्चुअल में क्या था और कौन था। उसकी आवाज़ भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। अभी मुझे जो है बहुत ही अजीब फील हो रहा है। क्या वो अंधेरे में जिस लड़की ने आवाज़ दी थी वो क्या आवाज़ अकी की थी? जो आवाज़ मैंने सुनी थी क्या वो अकी की थी? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है आवाज़ किसकी थी। वो जो है जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा करता है, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है। वो कहता है कि उसने कहा था अकी ने कि कोई उसके घर पे है, एक और बच्चा जो है एक अलग रूम में रहता है, इसलिए वो जो है उसके रूम में जाके नहीं रहती है क्योंकि उसे चिकन पॉक्स है। और जब हम खेला करते थे पार्क के अंदर तो वो लड़की हमेशा हमें देखती रहती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका चेहरा तो मैंने कभी देखा नहीं। उस दिन भी जब मुझे सब बुली कर रहे थे तो उसी ने मुझे पिकफुट कहा था और उसके बाद से मेरा नाम जो है वो पिकफुट पड़ गया, जो निकनेम जो है उसी ने दिया था। अब अरागी को ये तो याद ही नहीं है कि किसने कहा था और किसने मुझे कहा था पिकफुट, ये मुझे भी याद नहीं। तो दोस्तों, जो लड़की होती है जिसने बोला होता है इसे पिकफुट, वो कोई और नहीं सिनोमय ही होती है। अब हमें जो है अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।